हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ ऐसी चीज़ जो हर एक के घर में होगी लगभग। जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके घर में वो चीज़ ना हो, तो उसी के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। पेड़, पौधे हर एक के घर में होंगे। ऐसा शायद ही कोई बंदा होगा जिसके घर में पौधे ना हो, एटलीस्ट एक आध पौधा तो होगा ही होगा हर एक के घर में। तो उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पता जानकारी देना चाहता हूँ कि इन पौधों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है हमें, जैसे हम कबूतरों का, अपने पशु पक्षियों का, कुत्ते का, गाय का, भैंस का, अपना सबका ख्याल रखते हैं, तो वैसे ही इनका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है। तो मेन इसमें होता क्या क्या है, इन पौधों में आपने अक्सर देखा होगा कीड़ा हो गया था। आपको भी मैं दिखाता हूँ कीड़ा किस टाइप का होता है, किस टाइप से लगता है। ठीक है, आइए मैं साथ में। ये देखिए सर, मैंने कुछ ही प्लांट्स उगा रखे हैं अपने घर में। एक प्लांट तो मैंने ये उगा रखा है, नाम मुझे किसी का पता नहीं है ढंग से, लेकिन गार्डनिंग थोड़ी बहुत कर रखी है मैंने भी अपने घर में ताकि घर अच्छा लगे। ये है आपका सर तुलसी, जो कि हर एक के घर में आजकल होनी चाहिए, काफ़ी महत्व है हमारे धर्म में इसका। और ये फिर फैंसी प्लांट है, एक ये है फैंसी भी, इसी में फूल आते हैं। फिलहाल तो अभी तो नहीं आए, लेकिन ज़रूर इसमें फूल आएंगे। ये तुलसा जी हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तुलसा जी के पत्ते कहीं कहीं से खाए हुए हैं, जैसे कि आप इस लीफ को देखिए, इस वाली को देखिए, ये कीड़े की पहचान होती है। मैंने फ़िलहाल तो इसमें दवाई छिड़क दी है, लेकिन इस पेड़ को कीड़े ने खा रखा है। अब तुलसी जी देखिए, इनके पत्ते थोड़े बारीक होते हैं, उनका रंग थोड़ा हल्का सा रेडिश टोन में होता है, और तुलसा जी के पत्ते बड़े होते हैं। ये देखिए सर, इस पौधे को देखिए आप। इस पौधे में टोटली कीड़ा लग गया था, बहुत बढ़िया करके हर पत्ते को कीड़े ने बहुत अच्छी तरीके से खा रखा है। जिससे होता क्या है, समय पर ध्यान देने से हर एक, आप देख रहे हैं बाकी भी पेड़ लगे हुए हैं मेरे घर में, पौधे लगे हुए हैं, लेकिन बाकी किसी में नहीं फैला, क्योंकि टाइम पे रहते हुए इसकी मैंने दवाई कर दी। ये देखिए अब जो नए पत्ते निकल रहे हैं बिल्कुल फ्रेश हैं। तो आइए मैं आपसे दवाई शेयर करता हूँ इसकी। ठीक है सर, आज मैं थोड़ा वीडियो में कम ही रहूँगा, क्योंकि मेरे भाइयों को कहते हैं मेरे भाई कि जो भी आप दवाई बताते हैं वो ढंग से दिखते नहीं हैं हमें, तो इसीलिए आज मैं थोड़ा वीडियो में कम हूँ आज। ये देखिए सर, रोगोरिन, RoGoRin, डिमेथॉट 30% EC, देख लीजिए सर। इसकी आपको मैं MRP बताता हूँ कितने की पड़ रही है आपको। ये सर, ये देखिए, ये मात्र 60 रुपीज़ की दवाई है। इस 60 रुपीज़ की दवाई के बेनिफिट बहुत हैं कि आपका एक तो पौधा बच जाता है ख़राब होने से। इसे मिलाना कैसे है वो मैं आपको विधि बताता हूँ इसकी। इसी बोतल के कैप के ऊपर ही आप ये ढक्कन देख रहे हैं, इस कैप को खोलनी है। इस ढक्कन के अंदर ही एक ढक्कन पूरा भर के 1 लीटर पानी के अंदर आप डाल लीजिए, और जो स्प्रेयर होता है जिससे आप देखते हैं कि नई दुकान में जाके हम बड़े स्टाइल से बाल सेट करते हैं, स्प्रेयर वाले पानी मारते हैं, तो उस टाइप का कोई स्प्रेयर ले लीजिए मार्केट से 20 रुपये तक का, उसका ऊपर का हुक मिल जाता है, और वो किसी भी पेप्सी की बॉटल के अंदर लगा करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप उन दोनों को मिला के एक ढक्कन, ये 1 लीटर वो या आधा लीटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी कम रखिए नहीं तो सारे पौधे सड़ जाएंगे। आपको एक ढक्कन ही मिलाना है 1 लीटर के अंदर। ठीक है, मिलाने के बाद में आपको हल्का सा उसे हिला करके शेक कर लेना, उसके बाद में स्प्रेयर से इन पत्तों के ऊपर, इनकी जो पत्तियां हैं इन सब के ऊपर, टोटली जितने पौधे घर में लगे हुए हैं सब पे लगातार छिड़क देना। इस प्रोसेस को महीने में एक बार करने से आपके पौधे में कीड़ा बहुत ही ना के बराबर, बल्कि आप कह सकते हैं कि लगता ही नहीं है। ठीक है सर, तो जो मैंने आज आपको विधि बताई इसे ट्राई कीजिए और बताइए क्या रिजल्ट निकला। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सर, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से प्यार देते रहिए। आपका अपना मन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।